जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। नीलांचल निवासाए नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ का इस जगत में प्राकट्य किस प्रकार हुआ है उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगी। भारतवर्ष में प्राय सभी भगवान जगन्नाथ को जानते हैं। पुरी में उनका वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कारण विश्व में यह सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। किंतु आश्चर्य रूप से कुछ लोग यह नहीं जानते कि भगवान जगन्नाथ के इस असाधारण रूप के पीछे क्या कारण है। स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि ने भगवान की महिमा का वर्णन करना शुरू किया था और उनके वर्णन में उन्होंने यह भी कहा था कि श्री लक्ष्मी ब्रह्मा और यमराज को कहती है कि भगवान आगे चलकर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और उनके प्रकट होने में एक महान राजा इंद्रद्युम्न इस पृथ्वी तल पर जन्म लेंगे। तो सतयुग में सूर्य वंश में ब्रह्मा की पांचवी पीढ़ी में महाराज इंद्रद्युम्न हुए। स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि ने भगवान की महिमा का वर्णन करना शुरू किया था और उनके वर्णन में उन्होंने यह भी कहा था कि श्री लक्ष्मी ब्रह्मा और यमराज को कहती है कि भगवान आगे चलकर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और उनके प्रकट होने में एक महान राजा इंद्रद्युम्न इस पृथ्वी तल पर जन्म लेंगे। तो सतयुग में सूर्य वंश में ब्रह्मा की पांचवी पीढ़ी में महाराज इंद्रद्युम्न हुए। हजारों वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न की यह उत्कट इच्छा बनी रहती कि वह भगवान के साक्षात दर्शन करे। वह भगवान के दर्शन के लिए हर वक्त लालायित रहते। तो एक दिन उन्हें यह समाचार मिला कि भगवान विष्णु ने उनके नील माधव अवतार के रूप में अपने पुजारी से कहते हैं कि मैं राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा राशि ठाट के साथ पूजित होना चाहता हूँ। तब राजा पधारे किंतु विग्रह विलुप्त हो गए। तभी उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई कि नील पहाड़ी पर राजा एक मंदिर का निर्माण कराए, भगवान विष्णु वहां कांट के रूप में प्रकट होंगे। आदेशानुसार राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण करवाया एवं उसके आसपास रामकृष्णपुर नामक शहर की स्थापना की और उनकी यह इच्छा थी कि ब्रह्मा जी स्वयं उस मंदिर की प्रतिष्ठा करें। इसी कारण ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की, परंतु ब्रह्मलोक का समय चक्र भिन्न होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न के पृथ्वी पर लौटते समय कई शताब्दियां बीत चुकी थी। इस दौरान मंदिर आंधियों के कारण मिट्टी में धस गया। राजा इंद्रद्युम्न के जाने के बाद दो राजाओं ने वहां शासन किया, जिनमें से दूसरे राजा गलमाधव के शासनकाल के दौरान मंदिर को मिट्टी से खोदकर निकाला गया। जब राजा इंद्रद्युम्न वापस आए और कहा कि मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया है, तो किसी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु मंदिर के पास ही एक बरगद के पेड़ पर भुसंडी नामक कौवा था, जो कई सालों से वहां रह रहा था। उसने मंदिर का निर्माण होते हुए देखा था। भुसंडी ने राजा की बात की पुष्टि की। तब राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से मंदिर व उसके आसपास श्री क्षेत्र नामक स्थान की प्रतिष्ठा के लिए प्रार्थना की, परंतु ब्रह्मा जी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है। भगवान नित्य रूप में यहाँ निवास करते हैं और जब वे चाहते हैं प्रकट होते हैं। भगवान को यहाँ प्रतिष्ठित करने की उनमें शक्ति नहीं है। यह सुनकर राजा बेचैन हो गए और वह तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उसकी प्रतीक्षा निराशा में परिवर्तित नहीं हो गई और अंत में उन्होंने उपवास करके अपने शरीर को त्यागने की ठान ली। तब भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे राजा, अपनी चिंता छोड़ो। आगामी काल बाकी मोहन नामक स्थान पर दारू ब्रह्म नामक काट के रूप में मैं समुद्र में तैरता हुआ आऊंगा। दूसरे दिन आनंददायक कीर्तन के मध्य दारू ब्रह्म को समुद्र किनारे से पानी से स्नान करके राजा इंद्रद्युम्न के पास लाया गया। राजा इंद्रद्युम्न ने कई प्रवीण मूर्तिकारों को बुलाया, परंतु उनमें से कोई भी दारू ब्रह्म का स्पर्श तक नहीं कर सका। उनकी छेनी जैसे ही दारू ब्रह्म को स्पर्श करती, उनकी छेनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते। एक दिन अनंत महाराणा नामक एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने की आज्ञा मांगी। कुछ व्यक्तियों के अनुसार अनंत स्वयं भगवान थे और कुछ व्यक्तियों के अनुसार वह विश्वकर्मा थे।
देवास का शिल्पी जो भगवान की सेवा करने आया था, उसने आश्वासन दिया कि वह 29 दिनों में भगवान के अर्च विग्रह को तैयार कर देगा, किंतु उस दरमियान मंदिर के भीतर कोई ना आए। प्रतिदिन असीम उत्कंठा के साथ मंदिर के आसपास राजा इंद्रद्युम्न घूमते रहे, पर 14वें दिन उनकी आशा चिंता में बदल गई, क्योंकि अब वह शिल्पकार के औजारों की आवाजें मंदिर से नहीं सुनाई दे रही थी। उनके सैनिकों ने बार बार उन्हें मना किया, परंतु राजा ने जबरदस्ती मंदिर का दरवाजा खोल दिया। मूर्तिकार कहीं भी दिखाई नहीं दिया और दारू ब्रह्म अब 3 रूपों में दिखाई दे रहा था। पास जाकर जब राजा ने उन्हें देखा तो वह 3 रूपों में दिखाई दे रहे थे, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव। राजा ने देखा कि विग्रह के हाथ और पांव अपूर्ण थे। उसने चिंता व्यक्त की, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों इतना अधीर हो गया, मैं एक अपराधी हूँ। यह सोचकर उन्होंने फिर से एक बार उपवास करके अपने जीवन को त्यागने का निर्णय ले लिया। अर्धरात्रि के समय भगवान जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए और उन्हें इस प्रकार कहा, इस भौतिक जगत में मैं अपने धाम सहित इन अवतारों में अवतरित होता हूँ। मेरे कोई हाथ और पांव नहीं है, लेकिन अपने अप्राकृत इंद्रियों द्वारा मेरे भक्तों द्वारा अर्पित की गई सेवा को मैं स्वीकार करता हूँ, एवं जगत के कल्याण के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता हूँ। तुमने मेरा आश्वासन भंग किया है, किंतु यह तो मेरी लीला के माधुर्य का अंग मात्र है। यह जगन्नाथ रूप मेरे उन भक्तों की वाणी की रक्षा करता है जो कहते हैं कि वह बिना हाथ के स्वीकार करता है और वह बिना पांव के चलता है। फिर भी मेरे भक्तों को, जिनकी आँखों में मेरे प्रति शुद्ध प्रेम समाया है, वह मुझे सदैव ही बंसीधर श्याम सुंदर के रूप में देखेंगे। परंतु वैभव रूप में मेरी पूजा करने की इच्छा है तो वे सोने चांदी के मेरे हाथ पांव बनाकर सुसज्जित किया जा सकता है। यह तुम अवश्य में जान लो कि मेरे अंग सारे आभूषणों के आभूषण हैं। स्वप्न में जगन्नाथ की इस प्रकार बातें सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी ये इच्छा प्रकट की और यह प्रार्थना की कि आपके मंदिर का दरवाजा केवल 3 घंटे ही बंद रहे, और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि आप पूरे दिन भोजन करें ताकि आपके कर कमल की अंगुलियां कभी सूख ना पाए। यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान कहते हैं, हे इंद्रद्युम्न, ज्येष्ठ पूर्णिमा को मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए तुम मेरा जन्मदिन स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाओ और आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को मेरा रथ यात्रा महोत्सव बनाओ, जिसके द्वारा मैं सारे जगत को अपनी कृपा का वितरण करूंगा। तो आइए हम भी भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाएं और श्री जगन्नाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।